दोस्तों जय हिंद। आपका आंसर की जल्दी आ जाएगा, लेकिन इससे पहले ये समझ लो कि आप बार बार पूछते रहते हो सर आंसर की कब आएगा। तो यार अभी तो एग्जाम होने दो, अभी री एग्जाम 30 मार्च को है, ठीक है, लगभग 16,000 बच्चों का है, उनका एग्जाम होने दीजिए, उसके बाद आंसर की तो आज ही मतलब आ ही जाएगा, ठीक है। ध्यान अपने फिजिकल पे लगाइए। जब हमारे समय क्या हुआ था, जब हम रेलवे में ज्वाइनिंग करने वाले थे, उससे पहले जो पूरा प्रोसेस था उसमें मेरे नंबर जो है लगभग 22-23 नंबर ज़्यादा था, ठीक है, जितने पे कट ऑफ पे बुलाया था रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए, उससे 22-23 नंबर ज़्यादा था। फिर भी हम सोचते थे यार एक नंबर बढ़ेगा तो इतने लड़के कम होंगे, चार नंबर बढ़ेगा तो इतने होंगे, 10 इतने होंगे, फिर भी हम भी परेशान रहते थे, ठीक है। तो ये परेशानी रहेगा जब तक आप पहली बार सिलेक्शन नहीं ले लोगे। एक बार जब सिलेक्शन ले लोगे ना किसी भी चीज़ में, उसके बाद जो आपका आत्मविश्वास है ना बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डर हमेशा रहता है जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए इसके लिए परेशान मत हो। कुछ कमेंट कर रहे हैं कि मैं तो जब आंसर की आएगा तभी दौड़ लगाऊंगा, ये कोई आर्मी का दौड़ नहीं है कि हम नहीं दौड़ेंगे, नहीं हो पाएगा। तो मैं बता दूं, बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि 1600 मीटर में ज़्यादा दम लगता है, लेकिन एक बात भी ये भी सही है कि इसमें भी बहुत दम लगता है। 5 किलोमीटर बहुत आसान भी नहीं होता है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल भी नहीं है, ठीक है, आपकी बात में से सहमत हूँ, लेकिन आपको ये बात मानना पड़ेगा कि बिना प्रैक्टिस के, जैसे एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है ना कि आपको पता हो जाए कि इतना स्कोर करना है, फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहते हो, है नहीं, कि नंबर इस बार सिलेक्शन लेना है किसी तरह से छूट ना पाए, तो उसी तरह से इसमें भी किसी भी तरह से छूट ना पाए, इसके लिए आपको लगातार उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना आप एग्जाम के लिए किए थे, समझ रहे हो। सिलेक्शन के लिए दोनों ही बराबर महत्व रखता है, ठीक है। अभी मेडिकल में क्या सबसे ज़्यादा प्रश्न है दांत के लिए, तो दांत में क्या है, सबसे पहले अगर कुछ है, ठीक है, तो सबसे पहले एक ही उपाय है कि आप जाके मेडिकल से पहले या अभी सफाई करवा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है, टूट गया है किसी का, एक आध दांत टूटा हुआ है या फिर ख़राब कैविटी के वजह से आप निकलवा दिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, परेशान मत हो वहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि देखो जो है नहीं उसके लिए परेशान होकर क्या करोगे, लेकिन हाँ मोरल डाउन नहीं करना। मैं आपको बता दूं, जब मेरा मेडिकल हुआ था ना जीडी का और रेलवे का, तो दोनों के मेडिकल में मेरे को लगता है कि रेलवे का मेडिकल थोड़ा मुश्किल हुआ था, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये बड़ी बात बता रहा हूँ, ये सब मतलब डॉक्टर पे लेकिन डिपेंड करता है। जब हम मेडिकल हमारा हुआ था तो वहाँ पे 3 ऑफिसर थे, मेडिकल ऑफिसर, उसमें से जो हमारे थे डॉक्टर वो लगभग मतलब 30-32-35 ऐसे बैच जो बनता था उसमें से वो एक दो को रीमेडिकल देते थे और बाकियों को फिट कर देते थे, या 4-5 ऐसे, लेकिन जो दूसरे थे एक ना वो 5-6 को फिट करता था, बाकी को रीमेडिकल या अनफिट करता था। तो ये बहुत फर्क होता है, ठीक है, डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर लोग, जैसे अगर मैं डॉक्टर हूँ तो अलग करूँगा किसी के साथ व्यवहार, आप होगे तो अलग करोगे, कहने का मतलब थोड़ा सा अलग अलग व्यवहार लोगों के अंदर से होता है, डॉक्टर बनने से सिर्फ नहीं होता, डॉक्टर का तो जो काम है वो करेंगे ही, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको मेडिकल अनफिट करने के लिए नहीं बैठे हैं कि वहाँ पर राहुल आएगा उसको मेडिकल अनफिट करना है, भेज देना है घर, ऐसा कोई दुश्मनी किसी के साथ किसी का नहीं है, ठीक है। अभी फेक डॉक्यूमेंट्स कैसे बनता है, देखो फेक डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या होता है, पहली बात तो फेक डॉक्यूमेंट्स का बहुत सारे कैटेगरी, जैसे कि मान लो कि हम नक्सल डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में है, तो हम नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आ गए और नक्सल डिस्ट्रिक्ट पास में है, मान लो जैसे मेरा जो जिला है वो गिरिडीह है, वो नक्सल अफेक्टेड है, मान लो कि वहाँ पे कोडरमा होता, कोडरमा नक्सल अफेक्टेड नहीं होता, ठीक है, और नक्सल अफेक्टेड जो कोडरमा नहीं है, मान लो है ऐसे, और कोडरमा से कोई आदमी जो है झारखंड आ गया और झारखंड से डोमिसाइल बनवा के भर्ती हो रहा है, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा होता है दूसरे स्टेट से, ठीक है, खास करके नॉर्थ ईस्ट से या पश्चिम बंगाल से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से इसलिए भर्ती होते हैं कि वहाँ का जो कट ऑफ है ना वो बहुत कम जाता है, मतलब अभी तो कम बढ़ने लग गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा हावी हो गया है दूसरे स्टेट के लोग, वहाँ पे भी लगभग आधे से ज़्यादा वही भर्ती हो रहे हैं, आधे क्या पूरे भर्ती वैसे ही हो रही है, ठीक है। तो उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, वो वहाँ के सारे डोमिसाइल जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सारे अपडेट करा लेते हैं और उसी के एड्रेस पे बनवा लेते हैं। तो अभी एक बार ये एक यूट्यूबर है, इंस्पेक्टर हैं CRPF के, वो सर भी एक बार उनके पोस्ट में देखा था, उन्होंने लिखा था कि फर्जी प्रमाण पत्र के साथ वो पकड़े गए और उनको जेल हो गई, ठीक है। तो ऐसे कईयों के साथ हो सकता है, इसलिए
ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये है फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने का, मतलब क्यों बनवाते हैं और कैसे बनवाते हैं, ठीक है। और तो कई ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं कि सर मेरे से 10,000 रुपये ले लिया और डॉक्यूमेंट्स बनवाया नहीं, क्या होगा सर, या फिर अगर डॉक्यूमेंट्स बन गया तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा ये तो डिपार्टमेंट बताएगा, ठीक है। हमारे समय में क्या हुआ कि जब भी उनको घर भेजा गया तो सिर्फ टर्मिनेट करके घर भेज दिया गया, कोई कारण इस तरह से नहीं लिखा गया उसके मतलब फ्यूचर को देखते हुए। लेकिन कई बार अगर मान लो कि जैसे अगर आप हो, ठीक है, वहाँ पे ऑफिसर, ठीक है, आप चाहते हो कि ऐसा कोई ना करे, कोई दूसरे स्टेट से भर्ती ना हो, किसी दूसरे का हक ना छीने, तो आप क्या करोगे? आपका दायित्व तो होगा कि उनको घर भेज दिया जाए। लेकिन कई बार जब संख्या बढ़ता जाएगा, इरिटेट हो जाओगे, कई बार परेशानी बढ़ जाए, तब क्या होगा? तो ऐसा हो सकता है ना कि वही ऑफिसर जो बोल रहा था यार जाने दो, सिर्फ घर जाने दो, कई बार हो सकता है कि वो गुस्सा हो जाए और उस पर 420 का, 419 का इस तरह का कोई केस हो जाए, तो उसके वजह से फिर फ्यूचर में आने वाली जो नौकरी है ना उसके वजह से बैन हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने का ये नुकसान तो है, ठीक है। फायदा तो ये है कि भर्ती हो जा रहे हैं, लेकिन अभी भर्ती होने में भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि पिछले जो 2-3 भर्ती है, जैसे 21-22 और अभी जो वर्तमान चल रहा है उसका, तो 21-22 वालों का क्या है, उसमें कईयों के जो है वो निकाले गए हैं डाटा और देखे हो गए, एक तो लिस्ट जारी भी हुआ था लगभग, उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, सारे फोर्सेस के हैं, BSF के हैं, SSB के हैं, CRPF के हैं, CSF के, सभी के हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, अगर कुछ पूछना हो जरूर पूछिएगा। जय हिंद।